हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को आपको मिल जाएगा। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी कुछ दिनों से एक रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है और वो रेंज है 15,250 से लेके नीचे की तरफ 14,980 और लेट्स से 14,930 के आसपास का रेंज है। जो हमें फ्राइडे को ओपनिंग मिली थी, फ्राइडे की ओपनिंग डेफिनेटली ऊपर की तरफ थी, बढ़िया ओपनिंग थी और बढ़िया दिन था जिसके चलते हुए आप एक बार लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन नीचे के लेवल के ऊपर में यानी जो रेंज है उस रेंज के पास में 15,250 के आसपास में आते आते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और दमदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। खाली एक प्लस पॉइंट इसमें यह है, फॉल के अंदर में नहीं, जो डेटा आ रहा है उस डेटा के अंदर में प्लस पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि इस फॉल के अंदर में FII का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए था। सो अगर FII की पार्टिसिपेशन नहीं है तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बाउंस बैक की, और अगर बाउंस बैक होता भी है तो डेफिनेटली पुराना जो रेंज था जिस रेंज के अंदर में आप पिछले 6-7 दिन से काम कर रहे हैं उसी रेंज के अंदर में आप वापस घूमते हुए नजर आएंगे। सो जो पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं किस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ जो 15,107 के आसपास का है। सो डेफिनेटली आप उसके आसपास में जाओगे तो एक बार आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लोजिंग हमने 15,023 पे की हुई है। 15,000 के नीचे का क्लोज मिल जावे या टू बी स्पेसिफिक अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो 14,930 के नीचे का, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के नीचे का अगर क्लोजिंग मिल जाएगा तो आपके लिए ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का एक रास्ता ओपन होता है नीचे की तरफ जो आपको 14,700 से 14,675 तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग 15,100 के ऊपर होती है सो इस फ्राइडे के पहले जो एक रेंज में हमने काम किया था, यानी मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे का एक्सपायरी जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, इस रेंज के अंदर में हम वापस से एक बार आते हुए नजर आएंगे जो कि निफ्टी इंडेक्स के लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए। ऊपर की रेंज अभी भी यानी ऊपर का जो टारगेट है वो अभी भी 15,250 के आसपास का बनता है, नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है वो 14,930 से लेके आपको मार्केट 14,980 के आसपास का बन रहा है। इस रेंज में बाइंग करना चाहिए और 15,250 से देखिए अगर 15,300 के आसपास में मिला तो एक बार यहाँ से शॉर्ट भी बनाना चाहिए। शॉर्ट बनाना चाहिए इन द सेंस, ठीक है, अगर आपको पुट लेके काम करना है तो आप पुट में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर में जिस तरह का कैंडल बना हुआ है ऐसे दो कैंडल हमने पहले भी देखे हैं और ये दो कैंडल जो है एक 22 फरवरी की बात हो रही है और एक 26 फरवरी की बात हो रही है। लकली उस कैंडल जब वो कैंडल बना था उसके दो दिन के अंदर में एग्जैक्टली रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिला था और ये सिर्फ एक बार नहीं दोनों बार हुआ है। सो एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनने के लिए क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ भी सस्टेन नहीं कर रहा है। सो हम लोअर रेंज पे आ गए हैं और यहां से एक बार बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद आपको ट्यूजडे तक 15,250 तक के लेवल्स एक बार देखने को मिल जाए। SGX निफ्टी उसके हिसाब से अगर बात करें तो डेफिनेटली एक बार गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है। 61 पॉइंट के आसपास में हम ऊपर काम कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एंड नेस्डेक के बारे में बात करें तो उन्होंने भी एक पॉइंट्स एडिशन ही किए हुए हैं पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में काम करते हुए, वो भी नजर आए हुए थे सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। अब देखना यह है कि कल मॉर्निंग के अंदर में ग्लोबल ट्रेंड क्या होता है। अगर ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव निकलता है और निफ्टी 15,150 के ऊपर ट्रेड करता है तो जो शॉर्ट्स बने हुए हैं फ्राइडे के दिन में वो शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस बनेंगे और फिर आपको एक बार फिर से ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके उल्टा अगर 15,000 के नीचे के ट्रेड्स देखने को मिले और लेट से आधा घंटा पौना घंटा देखने को मिले और इस रेंज को हम तोड़ देते हैं 14,930 को हम तोड़ देते हैं तो आप नीचे के लिए तैयारी रखिए जो कि 14,700 से लेके 14,675 के लेवल के लिए एक बार फिर से तैयारी होती हुई नजर आ सकती है। ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन चेन में सरप्राइजिंगली नहीं बोल देंगे क्योंकि 15,300 जो है वहाँ पे आपको अच्छा खासा एडिशन देखने को मिला हुआ है, अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिली है 15,300 पे। 44,765 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एडिशन राइटिंग होते हुए नजर आई जिसके चलते हुए आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,300 पे बन गया है, यानी ऊपर की तरफ 15,300 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा 15,000 पे 21,153 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है और अगर मैं
पुट साइड में बात करो तो पुट साइड में 28,046 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को हमें मिल रहा है. जिस तरह का मार्केट था डेफिनेटली कॉल राइटर जो भी कॉल राइटर्स थे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे और कॉल के प्रीमियम सडनली घटते हुए नजर आए हुए हैं. पुट के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए हैं. सो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं? डेफिनेटली 15,000 की हम बात कर रहे हैं. लेट्स से अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है 15,100 के आसपास की ओपनिंग होती है तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. 15,200 से लेके 15,300 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा. अगर किसी न्यूज़ के चलते इसे तोड़ते हैं तो 15,500 तक जाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन वो न्यूज़ अभी तक दिखता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है. नीचे की तरफ 14,900 पे एक बढ़िया सपोर्ट है जो सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए. अगर वो सपोर्ट टूटा तो फिर आप यहाँ से जैसा चार्ट के ऊपर बात कर रहा था 14,700 से 14,675 के बीच का एक बार लेवल आते हुए नजर आ सकता है. सो जिस तरह का चार्ट पे माहौल दिख रहा है उसी तरह का माहौल आपको ऑप्शन चेन में भी नजर आएगा. सो डेफिनेटली डेटा उस हिसाब से ऑप्शन चेन के डेटा तो एटलीस्ट उसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है. खाली जो FII के डेटा है उसे उस FII के डेटा उस फॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल. लेट्स सी मंडे कैसा होता है. दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. निफ्टी का जो रेंज 14,300 से 15,200 का रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और ऊपरी लेवल के ऊपर में एक बार प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा. एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे. होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. बाय बाय.